अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ज़िया इंग्लिश रीडर बुक वन का लेसन नंबर 10 एन ऑर्चर्ड, एक बाग, एन ऑर्चर्ड, एक बाग, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज़, ये फलदार दरख्तों का एक बाग है, ये फलों के दरख्तों का एक बाग है। इट हैज़ मैंगो ट्रीज़, इसमें आम के दरख्त हैं। जामुन ट्रीज़, जामुन के दरख्त हैं। गुआवा ट्रीज़, अमरूद के दरख्त हैं। एंड टैमरिंड ट्रीज़, और इमली के दरख्त हैं। देयर आर सम पपाया ट्रीज़ टू, इसमें कुछ पपीते के पेड़ भी हैं। इसमें कुछ पपीते के पेड़ भी हैं। वी गो देयर डेली इन द मॉर्निंग, हम रोज़ाना सुबह में वहाँ जाते हैं। माई यंगर ब्रदर आल्सो गोज देयर डेली, मेरा छोटा भाई भी रोज़ाना वहाँ जाता है। माई एल्डर ब्रदर डज नॉट गो डेली, मेरे बड़े भाई वहाँ रोज़ाना नहीं जाते। माई फ्रेंड कलीम आल्सो गोज देयर, मेरा दोस्त कलीम भी वहाँ जाता है। वी ऑल गेदर देयर, हम वहाँ इकट्ठा है, हम वहाँ जमा है। देयर आर सम ब्यूटिफुल फ्लावर प्लांट्स इन अ कॉर्नर ऑफ ऑर्चर्ड, बाग के एक कोने में कुछ खूबसूरत पौधे हैं। बाग के एक कोने में कुछ खूबसूरत पौधे हैं। देयर आर रोज़ प्लांट, उसमें गुलाब के पौधे हैं। लिली प्लांट्स, लिली के पौधे हैं। मैरीगोल्ड प्लांट्स, मैरीगोल्ड के पौधे हैं। गेंदे के पौधे हैं। एंड सनफ्लावर प्लांट्स, और सूरजमुखी के पौधे हैं। देयर आर डिफरेंट्स काइंड्स ऑफ रोजेज, उसमें मुख्तलिफ किस्म के, अलग अलग किस्म के गुलाब हैं। सम ऑफ देम आर येलो, उसमें से कुछ पीले हैं। सम आर वाइट, कुछ सफ़ेद है। देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड ऑफ ग्रीन ग्रास, ज़मीन का एक टुकड़ा, वहाँ ज़मीन का एक टुकड़ा हरी घास है। अ गार्डनर लिव्स देयर इन द गार्डन एवरी टाइम, अ गार्डनर, एक बागबान बाग में एवरी टाइम यानी हर वक्त रहता है। ही लुक्स आफ्टर द गार्डन, वो बाग की देखभाल करता है। ही गिव्स वाटर ऑन द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता है। द गार्डनर कीप्स द गार्डन नीट एंड क्लीन, बागबान बाग को साफ और शफाफ रखता है। ही डज नॉट प्लक फ्लावर्स, वो फूलों को नहीं तोड़ता। ही ओनली कट्स द शूट्स ऑफ द प्लांट्स, वो सिर्फ पौधों की शाखाओं को, टहनियों को कट करता है। वी गो देयर इन द इवनिंग, हम शाम को वहाँ जाते हैं। वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स, हम फूलों को नहीं तोड़ते। वी डू नॉट थ्रो रबिश इन टू द गार्डन, हम बाग में कूड़ा करकट नहीं फेंकते। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन अ कॉर्नर ऑफ द ऑर्चर्ड, बाग के एक कोने में एक ट्यूबवेल है, वहाँ बाग के एक कोने में एक ट्यूबवेल है। देयर इज़ अ वाटर टैंक नियर द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के पास एक वाटर टैंक है, ट्यूबवेल के करीब में एक वाटर टैंक है। माई नेबर्स गो टू दिस टैंक, मेरे पड़ोसी इस टैंक में जाते हैं। माई नेबर्स गो टू दिस टैंक, मेरे पड़ोसी इस टैंक में जाते हैं। दे वॉश देयर क्लोथ, वो वहाँ कपड़े धोते हैं। दे टेक बाथ इन द टैंक, वो टैंक में नहाते हैं। डे डू नॉट स्पिट इन इट, वो उसमें थूकते नहीं हैं। डे डू नॉट थ्रो डर्ट इन द टैंक, वो टैंक में गंदगी नहीं फेंकते हैं। द ट्यूबवेल सप्लाइज वाटर 3 hours इन द मॉर्निंग एंड 4 hours इन द इवनिंग, ट्यूबवेल पानी फराहम करता है 3 घंटा सुबह में और 4 घंटा शाम में। पानी सप्लाई करता है, फराहम करता है 3 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम। इट्स वाटर गोज थ्रू द कैनल टू द ऑर्चर्ड ट्रीज, इसका पानी नालियों के ज़रिए से बाग के दरख्तों तक पहुंचता है। माई नेबर्स डू नॉट वेस्ट द वाटर, मेरे पड़ोसी पानी को बर्बाद नहीं करते, ज़ाया नहीं करते। ऑल माई नेबर्स आर गुड, मेरे सभी पड़ोसी अच्छे हैं, सभी पड़ोसी अच्छे हैं, मेरे सभी पड़ोसी अच्छे हैं। सम टाइम्स वी रन एंड प्ले इन द ऑर्चर्ड, समटाइम्स कुछ वक्त हम बाग में खेलते, समटाइम्स वी रन, कुछ टाइम हम दौड़ते हैं एंड प्ले और खेलते हैं इन द ऑर्चर्ड, बाग में बसा औकात हम बाग में खेलते और दौड़ते हैं। इस्पेशली ख़ास तौर पर इन द समर सीज़न वी सीट अंडर द मैंगो ट्रीज, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में हम आम के दरख्त के नीचे बैठते हैं।
सम नॉटी बॉयज़ क्लाइम अप द ट्रीज़, कुछ शरारती बच्चे दरख्त पर चढ़ते हैं। ऑफन दे जंप फ्रॉम अ ब्रांच टू द अदर वन, अक्सर वो एक शाख से दूसरी शाख पे, एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द गार्ड, गार्ड की गैर मौजूदगी में, द बॉयज प्लक ग्रीन मैंगोज, लड़के कच्चे आम तोड़ते हैं। गार्ड की गैर मौजूदगी में लड़के कच्चे आम तोड़ते हैं, विच आर सॉर, जो कि खट्टे होते हैं। इट इज़ अ बैड हैबिट, ये बुरी आदत है। वंस अ बॉय क्लाइम्ड अप द मैंगो ट्री, एक बार एक लड़का आम के दरख्त पर चढ़ गया। देयर वॉज अ होल इन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, दरख्त की टहनी में, दरख्त की एक शाख में एक सुराख था। देयर वर टू लिटिल पैरट्स, वहाँ दो छोटे तोते थे। देयर वॉज अ बीहाइव इन द सेम ब्रांच ऑफ द ट्री, दरख्त की उसी शाख में, उसी टहनी में मधुमक्खी का एक छत्ता था, शहद की मक्खी का एक छत्ता था। द बॉय डिड नॉट सी द हनी बीज, लड़के ने शहद की मक्खियों को, मधुमक्खियों को नहीं देखा। एट दैट टाइम अ बी सेट ऑन हिज ईयर एंड स्टंग हिम, उसी वक्त एक मक्खी उसके कान पर बैठ गई और उसको स्टंग हिम, उसको डंक मार दिया। द बॉय फेयर्ड सो मच, लड़का बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। दैट ही लेफ्ट द ब्रांच, और उसने शाख को छोड़ दिया। एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो दरख्त से नीचे गिर गया। लड़का बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया, और उसने शाख को, टहनी को छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया दरख्त से। वी शुड नॉट क्लाइम अप द ट्री विदाउट एनी नीड, हमको चाहिए कि हम बग़ैर किसी ज़रूरत के दरख्त पर ना चढ़ें, हमको बग़ैर किसी ज़रूरत के दरख्त पर नहीं चढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट टीज इवन अ लिटिल क्रिएचर्स, हमको किसी भी छोटी मखलूक को नहीं सताना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, किसी छोटी मखलूक को परेशान नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे।